अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला से मुलाकात की गई है, जिधर पर आप देख सकते हैं बहुत सारे माइनॉरिटी के कांग्रेस के लीडर्स मुलाकात की वज़ीर आला से, मिलकर मेमोरेंडम पेश किया गया माइनॉरिटी बजट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं तमाम तफसीलात। रियासती वज़ीर आला से आज सुबह 9:30 बजे तमाम लेजिस्लेचर्स और हमारे MLC जितने भी हमारे थे वो सब मिलकर वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें रियासती बजट में जो जो स्कीम सिद्धरामैया साहब के ज़माने में जो जो स्कीम्स थे वो तमाम रोकने के सिलसिले में उनको आगाह किया गया CM को, और उनसे दरख्वास्त की गई कि तमाम चंद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को चंद एजुकेशन मामलात में जो हमको हुकूमत से जो सहूलत दी जा रही थी उसको मत रोकिए, उसको आगे बढ़ाइए बोल के उनसे दरख्वास्त की गई है। मेमोरेंडम ये भी कहा गया है कि फॉरेन में पढ़ने के बच्चों को और अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूशंस को और 200-300-400 का हम डिमांड किए हैं, 200 के करीब हमारे को फिर नए से अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूशंस ओपन करने के लिए परमिशन के लिए बोले हैं, और उसके लिए इसमें बजट में पैसे रखने के लिए बोले हैं। और जितने स्कीम्स उनको जो क्योंकि कोविड की वजह से CM बोल रहे थे, कोविड की वजह से मुझे पैसों की तकलीफ़ होने की वजह से सब डिपार्टमेंटों का भी मैं कट किया हूँ, ऐसे ही मुस्लिम ये इनके चंदीदारों का भी कट किया हूँ, मैंने आर्टिस्ट का बोल के बोले हैं। और उसके साथ साथ और एक भी हमारे मेमोरेंडम ये भी कहा गया कि माइनॉरिटी हॉस्टल्स जो भी हैं उसमें पहले 75-25 था, लेकिन आज के ये आपकी हुकूमत आने के बाद 75-25 करके ऑफिसर्स बोल रहे हैं या 50-50 बोल के ऑफिसर्स बोल रहे हैं। इसलिए आप तमाम ऑफिसरों को डायरेक्शन दीजिए कि माइनॉरिटी हॉस्टल्स में 75 माइनॉरिटीज 100% माइनॉरिटीज और 25 जो अदर्स बोल के ऐसा डायरेक्शन दीजिए बोल के बोले हैं। ऐसे ही पूरे जितने हम बजट के तल्लक से जो कुछ पूछना था, बहुत ही खुशगवार माहौल में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमको अश्योरेंस भी दिया है कि हमारे जितने हो सकता है मैं वो पूरे मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँगा।